हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपिका चौधरी। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल ऑल इन्फो हिंदी में। कोरोना वायरस ने पूरे देश में पैर पसार रखा है, इसलिए लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये बीमारी हमारे देश को छोड़ जाए, ताकि लोगों की जिंदगी दोबारा सरलता पर लौट आए। वैज्ञानिक और डॉक्टर्स इसकी वैक्सीन और दवाइयों की खोज में लगे हुए हैं, लेकिन अब नया दावा सामने आ रहा है। जी हां, पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक योग गुरु बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण ने कहा है कि उन्होंने कोरोना को खात्मा करने वाली दवाई उन्होंने बना ली है, जिसका नाम कोरोनिल है। आइए जानते हैं इस दवाई की पूरी की पीछे की सच्चाई और साथ ही साथ क्या ये सही है या नहीं। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के संस्थापक योग गुरु बाबा रामदेव व उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ एक शिकायत हरियाणा पुलिस के पास पहुंच चुकी है। शिकायत में मांग की गई है कि रामदेव व आचार्य बालकृष्ण ने भारतीय आपदा संहिता का उल्लंघन किया है। बता दें कि पतंजलि आयुर्वेद की ओर से कंपनी के एक ही उत्पाद कोरोनिल को लेकर दावा किया गया है कि यह दवा कोरोना का खात्मा करेगी। पंजाब और हरियाणा कोर्ट के वकील सुखविंदर सिंह नारा ने हरियाणा पुलिस के डीजी के संज्ञान में लाते हुए बाबा रामदेव, बालकृष्ण आचार्य और उनकी कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में भारतीय आपदा संहिता 1860 के धारा 51/52/58 के तहत FIR दर्ज करने का अनुरोध किया और भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188/269/270 लागू कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। नारा ने पुलिस को दी गई शिकायत में लिखा कि बिना आयुष मंत्रालय और ICMR की मंजूरी के बिना ये दवा रामदेव कोविड लॉन्च नहीं कर सकते हैं। साथ ही ये भी कहा है कि कोविड से संबंधित भारत सरकार की हिदायतों के अनुसार कोई भी कंपनी सरकार की अनुमति के बिना किसी भी दवाई का विज्ञापन दे नहीं सकती है, लेकिन बाबा रामदेव ने बिना किसी अनुमति के सोशल मीडिया पर इस दवाई का विज्ञापन किया। नारा ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि रामदेव और बालकृष्ण का दावा झूठा और इनका यह कार्य आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध है। उधर भारत सरकार ने भी पतंजलि की कोरोना संबंधित दवाई पर जब तक परीक्षण नहीं हो जाता तब तक रोक लगा दी है। गौरतलब है कि योग गुरु स्वामी रामदेव ने कोरोना वायरस की दवा कोरोनिल को मंगलवार को बाजार में उतारा और दावा किया कि आयुर्वेद पद्धति से जड़ी बूटियों के गहन अध्ययन और शोध के बाद बनी यह दवा 100% मरीजों को फायदा पहुंचा रही है। यहां पतंजलि योग पीठ में मीडिया से बातचीत करते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि पतंजलि पूरे विश्व में पहला ऐसा आयुर्वेद संस्थान है जिसने जड़ी बूटियों के गहन अध्ययन और शोध के बाद कोरोना महामारी की दवाई प्रामाणिकता के साथ बाजार में उतारी है। रामदेव ने कहा कि 100 मरीजों पर नियंत्रित क्लिनिकल ट्रायल किया गया, जिसमें 3 दिन के अंदर 69% और 4 दिन के अंदर 100% मरीज ठीक हो गए और उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई। दावा ये है कि यह दवाई 3 से 7 दिन में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति को ठीक कर देगी। बाबा रामदेव ने कहा कि इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। उन्होंने इस संबंध में कटाक्ष भी किया और कहा कि हो सकता है कि कई लोग इस दवाई पर संदेह करें और कहे कि ये कैसे हो सकता है। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है हमें जरूर कमेंट करना, कि जैसे बाबा रामदेव ने कहा है कि लोग जरूर संदेह करेंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो क्या आपको लगता है कि ये दवाई कारगर होगी इस इलाज लाइलाज बीमारी पर? आपके कमेंट हमें जरूर सेंड कीजिएगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, ये वीडियो दूसरों तक जरूर शेयर कीजिए और भी इसे जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ऑल इन्फो हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे।